मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। खेल दिवस के अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के द्वारा दमोह जिले में खेलों में योगदान के लिए पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया एवं दमोह विधायक अजय टंडन का सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में जयंत मलैया के निवास पर पहुंचे जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने पूर्व वित्त मंत्री का कैप पहनाकर और टी शर्ट पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने क्रिकेट कोच रोहित अठिया को उनके जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं दीं। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के प्रयासों से ही दमोह में एस्ट्रोटर्फ मैदान की सौगात दमोहवासियों को मिली थी, जिसके लिए जिला क्रिकेट संघ के द्वारा पूर्व वित्त मंत्री का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जयंत मलैया ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। वहीं जिला क्रिकेट संघ के द्वारा दमोह विधायक अजय टंडन को भी खेल दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया। विधायक अजय टंडन के पिताजी के द्वारा श्री चंद नारायण टंडन स्मृति हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था, जिसमें देश विदेश के हॉकी खिलाड़ी शामिल होते थे। उनके इसी योगदान को लेकर जिला क्रिकेट संघ के द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के चेयरमैन गणेश अग्रवाल, जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, क्रिकेट कोच रोहित अठिया के साथ बड़ी संख्या में क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी शामिल रहे। एक तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज खेल दिवस के दिन आपने महिलाओं का क्रिकेट का मैच रखा था, परंतु बारिश के कारण अपने हायर कारणों से स्थगित हो गया। बहरहाल मुझे आपने बुलाना था, मैं तो नहीं आ पाया, परंतु जो आपने टी शर्ट दी है, कैप दी है और मेरा ये किया है, ये कुछ नहीं है, टर्फ है। टर्फ तो जनता के लिए था, जनता के लिए वैसे भी होना था। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस अवसर के ऊपर। और जैसा आज मैं टीवी पर देख रहा था, मैं भी भारत सरकार से मांग करता हूं कि हमारे जो हॉकी के प्लेयर रहे हैं ध्यानचंद जी, उनको भारत रत्न से विभूषित किया जाए। आज खेल दिवस को हम लोग दादा ध्यानचंद जी के जन्मदिन को रूप में मनाते हैं। दादा ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। जब उनकी स्टिक पे बॉल आती थी और जब तक वह गोल में परिवर्तित ना हो जाए, तब तक वह बॉल का साथ नहीं छोड़ते थे। कहने का आशय ये है कि लोग तो ये कहते थे कि दादा ध्यानचंद की हॉकी में चुंबक है जो कि बॉल को छोड़ती नहीं। कई जगह हमने तो सुना है और बताया है लोगों ने, पुराने लोगों ने, कि उनकी स्टिक बदल दी जाती थी जब आप दूसरी स्टिक से खेलिए। यानी दादा ध्यानचंद की स्टिक पे बॉल यानी गोल। और अपन सौभाग्यशाली हैं, दादा ध्यानचंद जी दमोह भी आए जब मेरे पिताजी ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट कराते थे, तो हमें वो पुराने लोग भी याद आ जाते, US पांडे जी, दयाशंकर अग्रवाल जी और भी दमोह के ऐसे लोग, मीनू बाबा अपने, योगेंद्र मां साहब, ऐसे लोगों ने दमोह को, एक क्रीड़ा जगत को एक अलग
मिसाल दी है, एक अलग दमों की पहचान बनाई है। उसी परंपरा को आगे रखते हुए हमारे दीपक श्रीवास्तव जो कि सीनियर एडवोकेट तो हैं ही, वकालत के अलावा ये अपने खिलाड़ियों के साथ में क्रिकेट खेलते हुए भी दिखते हैं और इनकी खेल जगत में विशेष रुचि भी है। हम धन्यवाद देते हैं दीपक को, उनकी पूरी टीम को। कल भी आप लोग आए थे और अगर मेरी बात लंबी ना हो रही हो तो आज एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट भी होना था, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। अब अपन फिर मिलेंगे जब बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद भी लेंगे। आज सम्मानीय ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते थे, और इनको ये जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं पूरे देश में। जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आज माननीय जयंत कुमार मलैया जी का और माननीय अजय कुमार टंडन जी का सम्मान किया गया है, और वो इस कारण से किया गया है कि दमोह में जो हॉकी टर्फ का मैदान है वो माननीय जयंत मलैया जी के प्रयास से और उनके द्वारा ही यहाँ पर बनवाया गया है, जिस कारण से दमोह के काफ़ी बच्चे बाहर खेल रहे हैं और काफ़ी लोग काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट भी दमोह में आयोजित होने लगे उस ग्राउंड के कारण। और इसके पहले जब ग्राउंड नहीं था तो अजय टंडन जी के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा स्वर्गीय चंद्रनारायण टंडन जी की स्मृति में एक बड़ा हॉकी टूर्नामेंट होता था, जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी दमोह में खेलने आए और उनके जौहर हम लोगों को देखने मिले हैं। तो हॉकी के प्रति दोनों ही व्यक्ति समर्पित रहे, इनका परिवार समर्पित रहा है, इसलिए जिला क्रिकेट संघ के द्वारा माननीय अजय कुमार टंडन जी का और माननीय जयंत भैया का सम्मान किया गया।